हेलो गाइस, मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की मेरी वीडियो है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारा चेहरा लाल होता क्यों है, मतलब कि हमारे चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम होती क्यों और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी है रेडनेस की प्रॉब्लम या फिर आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी है रेडनेस की प्रॉब्लम, तो प्लीज ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो उनको आप शेयर करेंगे तो उनकी जो रेडनेस की प्रॉब्लम है उसको 100% रिमूव करके दिखाऊंगा विद इन 2 डेज में। और फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं आपको एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी सजेस्ट करने वाला हूँ और एक जेल सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है उसको विद इन 2 डेज में क्लियर करेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा एंड तक। और गाइस, अगर आपको वीडियो लगती है थोड़ी बहुत भी अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप और भी कुछ हमें क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या फिर मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमें वहां पर पूछ सकते हो। लेकिन गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप को मैं नंबर प्रोवाइड कराता हूँ मेरा पर्सनली नंबर, तो आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि गाइस मैं खुद भी कुछ काम करता रहता हूँ, मतलब कि कहीं काम करता हूँ तो वहां पर आप मुझे कॉल करते हो तो मुझे वहां पर प्रॉब्लम होती है, मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके 100% आंसर मिलेंगे। तो गाइस, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी तरह वीडियो की टॉपिक पर, तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली रेडनेस की प्रॉब्लम होती क्यों है। पहले तो देख लीजिए मेरा वीडियो, कुछ मेरे को भी इस तरह की रेडनेस की प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता देता हूँ रेडनेस की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो गाइस, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर रेडनेस की प्रॉब्लम होती होगी। दूसरा बात कि अगर आपने कोई स्टेरॉइड क्रीम यूज की है जिसके कारण भी हमारे फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपने कोई अनवांटेड स्किन प्रोडक्ट यूज किए जो कि हमारे स्किन के लिए सेफ नहीं होते लेकिन आपने यूज किए हैं जिसके कारण भी हमारे स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपने बहुत ज्यादा फेस वॉश यूज कर लिया हो या फिर सॉप यूज कर लिया जिसके कारण भी हमारे स्किन पर रैशेस और रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपने ब्लीचिंग करवाया हो, पीलिंग कराया हो केमिकल पीलिंग, या फिर आपने फेशियल कराया हो जिसके कारण भी हमारे चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो गाइस, अगर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, कुछ मेरे हुई मुझे हुई है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये एरिथिगो जेल जिसको मैं पर्सनली यूज किया, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई विद इन 2 डेज में, ये मेरे को जो रेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है ना उसको ठीक करके दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही एरिथिगो जेल जिसको मैं पर्सनली यूज कर चुका हूं। देखो गाइस, अगर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, देखो कुछ मुझे हुई है, तो आप ये एरिथिगो जेल यूज कीजिए, ये काफी अच्छा है। और फिर आप यूज कीजिए ये कलरो लोशन आता है, ये आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली रेडनेस की प्रॉब्लम होती क्यों है क्योंकि हमारी स्किन पर कुछ रिएक्शन हो जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं होते, उसके लिए ये है। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको लैग्लो MF10 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और फ्यूचर में कभी आपको रेडनेस की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको ये लैग्लो जो MF10 मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आपको इसको यूज करना पड़ेगा कंटिन्यू, और ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा और आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो भी देगा। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे से आगे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।